आज हम लोग कुछ फंक्शंस को लिस्ट कर रहे हैं जो गॉल्जी बॉडी करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में तो हम लोगों ने डिटेल से देखा है कैसे ये घटनाएं होती हैं। आज हम लोग फंक्शंस को लिस्टिंग कर रहे हैं, है ना? और फंक्शंस ऑफ गॉल्जी बॉडी के बारे में वो बातें, तो ये चीजें बड़ी सामान्य रूप से सभी विद्यार्थियों को पता रहता है। पहला है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन एंड सेल सिक्रीशन। ये चीजें तो एकदम क्लियर हैं कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे ग्लाइकोलिपिड्स बना देना, ठीक है ना, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देना, ये सब तभी संभव है जब प्रोसेसिंग एक सुगर लिपिड सुगर प्रोटीन का जुड़ाव, ठीक है। पैकेजिंग, पैकेजिंग में पैकेजिंग ज्यादा बड़ा टर्म है। पैकेजिंग में होता है कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स एडिशन, जैसे कि सुगर जोड़ा जाता है यूजुअली ओलिगोसैकेराइड, ये सब इस तरह से पैकेज किया जाता है उसको। और सेल सिक्रेशन मतलब होता है सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गॉल्जी बॉडी, ट्रांस गॉल्जी बॉडी, टीजीबी या टीजीएन भी कहते हैं लोग, टीजीएन टू द अदर सेल ऑर्गेनेल। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो गॉल्जी बॉडी का फंक्शंस क्लैरिटी में, प्रोसेस करना है, पैकेज करना है एंड सेल सिक्रीशन करना है। और सेल सिक्रीशन के बड़े सारे पाथवे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी पाथवे, बहुत तरह के अलग अलग तरह के पाथवेज होते हैं। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे भी पाथवे होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे सिस गॉल्जी नेटवर्क में गया, फिर वो ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क में आया, फिर सेक्रेटरी वेसिकल में आया, और फिर मान लो कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गया। तो ये इस तरह के भी एक पाथवे होते हैं। दूसरे क्या होते हैं कि सीजीएन है, सिस गॉल्जी नेटवर्क है, इससे सेक्रेटरी वेसिकल निकला, वेसिकल निकला और फिर से वापस ये सीजीएन में आया, फिर टीजीएन एंड फिर सो ऑन सेक्रेटरी वेसिकल और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। कई बार क्या होता है, सिस गॉल्जी नेटवर्क से ही सेक्रेटरी वेसिकल निकलता है और फिर वापस वो सिस गॉल्जी नेटवर्क में ही फ्यूज करता है, ठीक है, मतलब रिप्रोसेस करना। इसको हम लोग डायग्राम ऐसे दिखाते हैं कि सिस गॉल्जी नेटवर्क है, इससे एक वेसिकल टूटकर बाहर निकला, ये टूटा, एक बार फिर नीचे वाला जो सिस गॉल्जी है नेटवर्क सिस्टर्न उसके साथ फ्यूज कर लिया। ऐसे मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। तो ये इसलिए होता है कि यहां पर कि अभी प्रोसेसिंग के लिए जो वक्त चाहिए या प्रोसेसिंग के लिए जो कंटेंट चाहिए वो अभी आगे बढ़ना नहीं चाहिए, वो अभी इधर ही रहना चाहिए। तो बार बार ये अपने में ही उसको ये कर लेता है, मतलब कि डाल डाल के अपने में ही उसको सेक्रेटरी वेसिकल को काम करता है। और भी कुछ डायग्राम्स हैं जिसको देखने की जरूरत है, जैसे कि कई बार मान लो कि यहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इस पर
ढेर सारा राइबोसोम है, मान लो ठीक हम राइबोसोम दिखा दे रहे हैं, और इस राइबोसोम से यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में कुछ ऐसे प्रोटीन बन रहा है। जब ये प्रोटीन बन जाता है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फंक्शनल प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन मौजूद है। उसके बाद ये पिंच ऑफ होगा, बर्ड के रूप में टूटा, ठीक है, ये बर्ड के रूप में टूटा, इसको हम रेड कर देते हैं। अब ये जो है रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो बन रहा है उसे हम लोग नेसेंट पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड जो भी हो कहते हैं। ये ईआर बड्स है, ये पिंच्ड ऑफ बड्स है, और उसके बाद ये जो है ये सभी कहाँ जाएंगे, ये सभी सीजीएन में जाएंगे। सीजीएन का मतलब हो गया सिस गोल्जी नेटवर्क में जाकर मिक्सअप कर गया। जैसे सिस गोल्जी बॉडी में ये जाकर मिक्सअप किया, ये सारा जो प्रोटीन है नेसेंट मतलब है एकदम न्यू प्रोटीन ये अंदर आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं सब लोग कि यहाँ पर उसका प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रारंभ हो जाता है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रारंभ होने के बाद फिर यहाँ से भी ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये प्रोटीन्स हैं, और उस प्रोटीन्स में मान लो कि अगर शुगर जुड़ना है तो शुगर जुड़ गया, ठीक है, जो भी चीज होना वो हो गया। और उसके बाद ये मटेरियल जो है वो सेक्रेटरी वेजाइकल में आकर जमा हो गया कि अब हमको जाना है। इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ना है कि यही सब चीज की वेजाइकल्स कैसे बनते हैं। और फिर ये पिंच स्टॉप हो जाता है, एक फंक्शनल सेक्रेटरी वेजाइकल है, और इस फंक्शनल सेक्रेटरी वेजाइकल तो जिस ऑर्गन से भी जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाना है, जहां जाना है वहां पर ये सोर्टेड है ऑलरेडी। दिस इज कॉल्ड सेक्रेटरी वेजाइकल, से हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी वेजाइकल। ये जो है ये मेडियन गोल्जी नेटवर्क है, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, ठीक है, और इस प्रकार से ये रेडी है। अब इसको टारगेट ऑर्गेनिल मिलना चाहिए, टारगेट ऑर्गेनिल, और वहां जाकर यह फ्यूज कर जाएगा। ये सेल सिक्रेशन का एक बेसिक फंडामेंटल कंटेंट क्या है, उस आधार पर ये सब कुछ बटा रहता है। मान लो इस कंटेंट को 1 कहें, इसको 3 कहें। अगर 1 जो है वह म्यूसिन हो, ठीक है, तो म्यूसिन जो है वो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड रिच होता, ठीक है ना, तो इसमें शुगर ज्यादा होगा, तो इस म्यूसिन से बन जाएगा म्यूसिजेन ग्रैन्यूल। जैसे हम लोग का म्यूकस लाइनिंग है ना, उसमें वहां सीक्रेट। सोचो 2 के बारे में, अगर 2 जो है वो एंजाइम है, ठीक है ना, एंजाइम्स है, तो इससे बन जाएगा जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स बन जाएगा। ये सभी जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। थर्ड में मान लो आप थर्ड ये पलटा देते हैं,
सल्फेट हो, सल्फेट रिच। अगर सल्फेट रिच हो तो फिर ये जस्ट जो है वो सभी हो जाएंगे सल्फेट सुगर प्रोटीन रिच ग्रैन्यूल। कहने का मतलब है कि जैसा अंदर का सामान वैसा आगे का दुकान, जैसा अंदर का सामान वैसे आगे की दुकान। जिस प्रकार का कंटेंट रहेगा उस प्रकार का सेक्रेटरी पाथवे फॉलो किया जाएगा। ये सेक्रेटरी पाथवे को फॉलो करने का एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो मैंने शेयर किया आपके साथ। तो एक और महत्वपूर्ण काम है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। सिंथेसिस स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गॉल्जी बॉडी का मिला हुआ एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर सिंथेसिस एंड स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है। और गॉल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग भी सिंथेसिस का ही हिस्सा है एंड सेक्रेशन। तो इसमें दोनों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, उनमें से किसी को भी कमतर आंका नहीं जा सकता है। और ये जो प्रोसेस एकदम स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज, जैसे मैंने अभी जस्ट प्रीवियस में बताया था, ये स्टेप वाइज है। पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और इस प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं कि वो अपने काम के लिए एकदम एप्रोप्रिएट हो। चूंकि बायोकेमिकल्स में क्या है ना, मिस्टेक नहीं हो सकता है। मिस्टेक होने का मतलब हो गया कि वो एरर हो जाएगा, उससे बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है। तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है ना, तो वैसे तो ये बता चुके हैं लेकिन फिर भी फंक्शन है तो यहां लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। इसमें बस यही है कि इसमें सुगर के साथ स्फिंगोलिपिड जुड़ जाएगा और इसमें सुगर के साथ प्रोटीन है, तो डिस्कस हो चुका है, डिस्कस्ड। फोर्थ फंक्शन, चौथे फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। उसमें एक टर्म आता है और वो होता है रोल ऑफ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। आप सबको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया था कि ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस ये गॉल्जी बॉडी में ही दिखता है, उसी के मेम्ब्रेन में दिखता है, ये दूसरी जगह नहीं दिखता है। एक ये सिग्निफिकेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा है सुगर न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी बता चुके हैं सुगर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कि जो सुगर होता है वो कभी भी डायरेक्ट गॉल्जी बॉडी के अंदर में नहीं जाता है, वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में जाता है, मतलब उसमें जुड़ कर जाता है। इसलिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं यूडीपी मैनोज, यहाँ पर यूडीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, मैनोज जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है कहलाती हैं सुगर न्यूक्लियोटाइड। तो ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेजेस, सुगर न्यूक्लियोटाइड, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान देंगे। लेकिन जैसे कि सुगर जो है वो जुड़ते कैसे हैं, क्या पाथवे है सुगर जुड़ने का, ठीक है ना, तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट
pattern of the incorporation of sugars कैसे अलग अलग पैटर्न है। जैसे अगर पहला ले हम वन अल्फा डी मैनोज, कैसे मैनोज जो है वह जोड़ा जाता है प्रोटीन में। अगर इस घटना को हम देखें तो सबसे पहले रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, इसमें मार्क्ड होता है कि कहां जोड़ना है मैनोज को। फिर यहां से बड जो है प्रोटीन को लेकर पहुंचता है गॉल्जी बॉडी में। अब ये सब डिटेल हम किए हुए हैं कि कहां पहुंचता है, सीजीएन पहुंचता है, टीजीएन। अब उसके अंदर समय फिर होता है सेक्रेटरी वेसिकल, ये भी डिस्कस्ड है, और सेक्रेटरी वेसिकल से होते हुए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज दिया जाता है। ये अल्फा डी मैनोज का पाथवे है। रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मार्कर होता है, उसके बाद वो फिर सेक्रेट होकर गॉल्जी बॉडी पहुंचता है, फिर सेक्रेटरी वेसिकल पहुंचता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहुंचता है। यहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जिसको हम लोग लेते हैं नाना और सियालिक एसिड भी कहते हैं इसको, ये हो गया, या फिर एल फुकोज हो गया, नॉट फुक्टोज इट इज फुकोज, 5 कार्बन का, या फिर डी गैलेक्टोज हो गया। ये सभी जो है कैसे कॉमन पाथवे फॉलो करते हैं, लाइक रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, गॉल्जी बॉडी में पहुंचा, और इसका जो मार्कर होता है वो गॉल्जी बॉडी में होता है, मतलब गॉल्जी बॉडी में ये मार्क होता है, मतलब यहां पर ये जुड़ते हैं, फिर सेक्रेटरी वेसिकल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने दो पाथवे देखा, अलग अलग पाथवे। डी मैनोज जो होता है वह मार्क, मतलब उसका अटैचमेंट कहाँ शुरू हो जाता है, रफ वॉल्ड, मतलब रफ वॉल्ड प्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगा उसी प्रोटीन से डी मैनोज जो है वो जोड़ दिया जाता है। इवन एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन, ये भी हम लिखते हैं यहाँ पर एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन, ये सभी कॉमन पाथवे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे जोड़कर ऐसे मैनोज जोड़ दिया जाता है, दिस इज मैनोज एंड दिस इज एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन। ये पूरा डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम श्योर इट इज क्वाइट वेल इन्फॉर्म टू यू। और इसमें क्या होता है कि गॉल्जी बॉडी में ये जोड़े जाते हैं, नाना हो या सियालिक एसिड, फुकोज या गैलेक्टोज, ये सभी गॉल्जी बॉडी में जोड़े जाते हैं, इसलिए मार्क्ड कहा गया। और तीसरा पार्ट जो है इसमें उसको भी देखते हैं, दैट इज डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना, ये इसमें स्टाइल नहीं जुड़ा रहता है। अगर इसको मार्क देखें, ये RER से भी एंड गॉल्जी बॉडी से भी दोनों जगह इसके ये मार्क किया था, मतलब दोनों जगह ये जोड़े जाते हैं और फिर सेक्रेटरी वेसिकल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कौन सा सुगर कहाँ जुड़ेगा, उसका एंजाइम कहाँ पर है, ये सब चीजें तय रहती, मतलब अचानक से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक और ले लेते हैं, फोर्थ भी ले लेते हैं। हाँ, अगर फोर्थ को देखें, दैट इज सल्फेट। सल्फेट को अगर देखते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं लेना है, इसका जो मार्क है ठीक है, प्रोटीन तो चाहिए ना, प्रोटीन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, लेकिन ये मार्किंग कहाँ होता है, मतलब ये जुड़ता कहाँ है, तो मार्किंग जो है वो गॉल्जी बॉडी होता है, फिर सेक्रेटरी वेसिकल, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा। इस प्रकार से ये तमाम चीजों का एक रास्ता बना हुआ है, कौन कहाँ जुड़ना है, किसको कहाँ चलना, कैसे होता है कि मान लो कि एक रांची प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है, ये रांची प्लेटफॉर्म है, रांची जंक्शन, और यहाँ पर एक हटिया जंक्शन है, ये हटिया
जंक्शन। अब सबको पता रहता है कि कुछ ट्रेनें यहां से आकर खुलती हैं, कुछ ट्रेनें यहां से खुलती हैं। तो जो लोग को जाना होता है वो उस तरीके से उसको अप्रोप्रिएट जाना, उसको गया वाला रूट में जाना है, वो सभी रांची जंक्शन से पकड़ते हैं। लेकिन जिनको सरायकेला रूट से उड़ीसा भी हटिया में पिकअप करते हैं, तो इसका मतलब है कि सब जगह पता है सबको कि कहाँ किसको पिकअप करना है। उसी तरह से जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पता रहता है कि किस ऑर्गेनेल में उनको वहां पर इनकॉर्पोरेट होना है। सुगर न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, ये बड़ा यूनिक सा होता है। ये सुगर और न्यूक्लियोटाइड जो है उनके बीच का एक कॉम्बिनेशन होता है। कई एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ यूनिक एग्जांपल है जीडीपी फुकोर्स, गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट फुकोर्स, जीडीएम मैनोज। जीडीएम हो गया गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब एएम मतलब पी हमको लिखना चाहिए, हम तो एक बार में मिला के लीजिए, एम स्टैंड्स फॉर मैनोज। ओके, कई बार शॉर्ट फॉर्म में पी को हटाकर इससे जीडीएफ लिख दिया जाता है, जीडीएफ, या इसको जीडीएम लिख दिया जाता है, इसलिए हम जीडीएम लिख दिए। ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा था, लाइक जीडीपी ग्लूकोस, तो इसे जीडीजीबी कहते हैं, ठीक है। यूडीपी गैलेक्टोज, यूडीपी नाना, मतलब ये वैरायटीज में ये सुगर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये सुगर न्यूक्लियोटाइड्स बनते तो ठीक है, समझ गया, न्यूक्लिक एसिड और सुगर का एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या समझते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें राइबोज या डिऑक्सी राइबोज होता है, तो सुगर जुड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत बड़े यूनिक से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पैप्स। पैप्स क्या होता है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन थ्री डैश फॉस्फेट, थ्री डैश फॉस्फेट फाइव डैश फॉस्फो सल्फेट, इसे हम लोग पैप्स कहते हैं। एडिनोसाइन में जो सुगर है वो राइबोज सुगर होता है, उस राइबोज सुगर के थ्री डैश पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और फाइव डैश पर फॉस्फोसल्फेट जुड़ा हुआ है। इन सबको अगर डायग्राम फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है ना। ये कार्बन नंबर वन है, ये हाइड्रोजन है, और यहां पर जुड़ा हुआ है एडेनिन। वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश, और यहां पर CH2OH, और ये हो गया फाइव डैश। इसी चीज को बोल रहा है कि थ्री डैश पर फॉस्फेट है, PO3 2-, देखिए फॉस्फेट हो गया, और फाइव डैश पर फॉस्फोसल्फेट है। कहने का मतलब है यहां पर फॉस्फेट के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है। देखिए CH2O PO, मतलब उसको पूरा स्ट्रक्चर ही जोड़ देते हैं, और यहां पर जुड़ा हुआ है सल्फेट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है, इसको पैप्स कहते हैं, ठीक है। सल्फेट पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस फॉस्फेट पर भी देख रहे हैं आप, क्या नेगेटिव चार्ज, तो हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड ये बायोमॉलिक्यूल होता है। और काम जब होता है इसका तो बड़ा यूनिक इसका वर्किंग स्टाइल है ना, ये सब स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, एकदम खास काम करते हैं। अभी यहां तो उतना काम
काम का डिटेल नहीं।